सुबह इस यहाँ आते ही भोले बाबा के दर्शन हो गए। अभी चेक कीजिए, कब्र बनी हुई है यहाँ पे काफी पुरानी। आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करनी है, यहाँ पे सिंघार के जो भी है सामान होते हैं, छोटी बाल वगैरह। सो हेलो दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूँ हमारे यहाँ पे गणेश जी बाबा का मंदिर है उधर रणथंबोर में, तो हम लोग रणथंबोर जा रहे हैं। ऐसा हमारा घर है, ये मेरी बहन है, हम लोग दोनों को दोनों जा रहे हैं रणथंबोर गणपति बाबा के दर्शन करने के लिए। बाकी कोई ना, आज का मैं ब्लॉग पूरा ही धमाकेदार होने वाला है, देखिएगा। सो गाइस, ये आप चेक कीजिए, ये है हमारे यहाँ का रणथंबोर का किला, और इसका जो नज़ारा है वो अभी आगे दिखाऊंगा। बाकी हम लोग पहुँच गए फाइनली रणथंबोर, मैं और मेरी बहन, और हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे हमें, और हमने ज़्यादा भगाई भी नहीं थी गाड़ी, नॉर्मल स्पीड में चलाई, फिर भी हम लोग टाइम पे पहुँच गए। और अभी ये देखिए, ये इस किले का सबसे फर्स्ट दरवाज़ा है, इस वाले दरवाजे का नवलखा पोल। ओके, और गाइस यहाँ पे ये रणथंबोर किले के बारे में लिखा हुआ है पूरा, कि कैसे इसका निर्माण हुआ था, क्या इसकी कहानी है, वो आप बाद में पढ़ लेना, लेकिन मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखो, और आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करनी है, यहाँ पे इस किले के अंदर है ना एक खास बात ये है यहाँ पे, कि जब राजा का युद्ध हो रहा था, राजा युद्ध से वापस आ रहे थे, तो उनका जो घोड़ा था चेतक, वो दीवार पे उस तरीके से चढ़ाया था कि सीधी दीवार में ऊपर चढ़ा दिया था, और उसके निशान अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी भी उनके फुटमार्क है घोड़े के। कहावत है कि उधर क्या देखा किसी ने नहीं है, इतिहास एक आइडिया से बनाया जाता है, इतिहास के अनुसार ये है गाइस गणेशपुर, और भैया के कहने से तो इतिहास आइडिया से बनाया, क्या बात है। ऊपर भी काफ़ी सारे व्यू पॉइंट है यहाँ से, ले आप इस देखोगे तो, और पूरा सवाई माधोपुर के नीचे वाला जो इलाके है सारे दिखते हैं यहाँ से, पूरी खूबसूरत वादियाँ दिखती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से रणथंबोर जो अभ्यारण है ना, उसका आप पूरा नज़ारा देख सकते हो ऊपर से मंदिर के टॉप से, चारों तरफ तो आप देख सकते हो पहाड़। गाइस यहाँ आते ही भोले बाबा के दर्शन हो गए, अभी शेषनाग था वो वहाँ पे था उस जगह पे, और जैसे ही हमने एंटर किया तो वो इतनी स्पीड से निकला वहाँ से कि कोई ना, दर्शन तो हो ही गए। बाकी ये आप चेक कीजिए, यहाँ का किला है, अभी बंद है ये, बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है इसमें। सुबह जी आप चेक कीजिए, पहले गुफा थी अभी बंद कर दी गई है, और ये एक्चुअली खुफिया दरवाजे होते थे, गेट होते थे बाहर निकलने के लिए, सेना को बाहर निकलने के लिए, या फिर सुरंग टाइप में होते थे। और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से लोगों ने यहाँ पे, देखो लोगों की श्रद्धा, देखो यहाँ पे अपने जो श्रृंगार के जो भी है सामान होते हैं, छुट्टी बाल वगैरह बांधने के लिए, वो सारे के सारे यहाँ बांध के चले जाते हैं लोग। ये देखो भाई, ये आप चेक कीजिए, कोई क्लिप्स कोई क्या ये आप देखिए। और ये है किले के इस तरफ का कुछ नज़ारा राइट साइड का, ये आप नीचे देखिए, यहाँ पे बाबड़िया टाइप में है, और ये भी किले का दरवाज़ा होता था आई थिंक, बैक एंट्री गेट है ये, यहाँ पे भी देखो नीचे एक दरवाज़ा बना हुआ है, और यहाँ से भी सेना आती थी इस इधर से भी पीछे की रखवाली के लिए, और उधर पूरे चारों तरफ बाउंड्री हो रही है वैसे किले के लिए, किले के चारों तरफ। बाकी कैनन भी रखी हुई है उधर की तरफ, हम लोग एक बार गए थे तो बिल्कुल लास्ट में जाके है ना, वहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जाके आगे बिल्कुल टॉप में जाके वहाँ पे कैनन रखी हुई है अभी भी आज भी। तो गाइस ये है गणपति बाबा का मंदिर, हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, रणथंबोर अभ्यारण्य के अंदर पड़ता है, और ये आप चेक कीजिए नज़ारा, काफ़ी सारी भीड़ होती है यहाँ पे, और मैं और मेरी बहन दोनों ने सिर्फ प्रसाद खरीदा है, ठीक है, बाकी दिखावा नहीं करते, दिखावा गलत है। और गाइस ये आप चेक कीजिए, यहाँ पे सफेद कलर का चूहा है इधर सामने, देखो वो देखो पिंजरे के अंदर सफेद कलर का चूहा रखा हुआ है यहाँ पे,
जो अपने ये आप चेक कीजिए, ये जो व्यू है सच में भाई साहब, ये आप देखिए, और गाइस ये आप चेक कीजिए, कब्र बनी हुई है यहाँ पे, काफी पुरानी कब्र है। बाकी यार थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए इस वीडियो में। बाकी आप लोगों से मैं एक ही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ सपोर्ट करो, आप ही के सपोर्ट से मैं ये यात्रा कर पा रहा हूँ बिना पैसे के, और आप ही की वजह से ये सब कुछ कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी मैं हूँ चित्तौड़गढ़ के पास में, सांवलिया सेठ जी का मंदिर है और वहाँ से 15 किलोमीटर आगे मेरी सिस्टर का घर है, तो मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, अपनी बहन के चाचा जी की लड़की है तो उनके यहाँ पे आया हूँ। और एक्चुअली ना मुझे सिर्फ आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और उसी की वजह से मैं ये मतलब अपनी जो जर्नी है वो कर पा रहा हूँ आगे। अभी ये जो पूरा अभी जो आपने वीडियो देखी थी वो पहले की थी, एक महीने पहले की वीडियो थी, और अभी मुझे इस चीज़ को एक महीना हो गया है, एक महीने से मैंने ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बनाए, मैंने कुछ एक ब्लॉग बना के रखे थे जो मैं घर में था जब मैं अपलोड नहीं कर पाया, बिकॉज घर में इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इश्यू आता था, तो मैं नहीं कर पाया वो चीज़ उस वक्त, और पता नहीं किस वजह से मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला हुआ था तो इसीलिए नहीं कर पाया। लेकिन आज से मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों से, रोज़ डेली नया नया डिफरेंट जगहों से अलग अलग लोकेशन से आपके लिए ब्लॉग्स आया करेंगे, और ख़तरनाक वाले ब्लॉग्स आया करेंगे। इस बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूँगा अपने मतलब जो भी गैजेट्स है मेरे पास, जैसे ड्रोन है, लाइट और भी कुछ है, और वैसे तो आप मेरे साथ एक दोस्त और आ गया मेरा उत्तराखंडी, सॉरी आसाम से मेरा दोस्त आ गया वो उधर, और बाकी हमारे जीजा जी है और उनके ये दोनों बच्चे, ये हमारे भांजे लगते हैं। हेलो, बाकी यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, एंड जाओ और सब्सक्राइब कर दो यार, नीचे यार जो रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। हर हर महादेव, जय श्री केदार।